हेलो दोस्तों नमस्कार मैं अंकित भाटी रोजगार विदंग के चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज मैं इसलिए आया हूं क्योंकि आप लोग जो मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा हूं कंटिन्यू आप उसमें बता रहे हैं कि जी आवाज़ में दिक्कत है और वीडियो क्वालिटी में दिक्कत है और आप गलत नहीं कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं लेकिन मैं आपको दिखाने आया हूँ आज की मेरे पास ना तो ऑडियो क्वालिटी की कोई कमी है ना वीडियो क्वालिटी की कोई कमी है तो अगर कमी है तो मेरे पास अभी कोई कैमरा मैन ढंग का नहीं है या कोई एडिटर ढंग का नहीं है ठीक है अभी काम चलाऊ काम चल रहा है लेकिन ये टेस्टिंग वीडियो है जो भी डाली डालिए ऐसे ना सोचे कुछ बच्चे कह रहे जी आप तो ऑफलाइन ही बहुत अच्छा पढ़ाते थे मतलब पेन टैब से ही अब शकल से तो बहुत कम पढ़ा पा रहे हैं या आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो भाई ये सिर्फ टेस्टिंग चल रही है अब जो चलेगा जानदार चलेगा यूपीएसआई तो अभी मैंने शुरू ही नहीं किया है अब शुरू करूंगा मतलब आप ये देखिएगा कि वीडियो क्वालिटी एक दो दिन में इतनी जबरदस्त आपको मिलने वाली है ऑडियो क्वालिटी में कभी कोई समस्या नहीं होगी तो अभी मुझे दो तीन दिन और लग रहे हैं पूरा सेटअप जमाने में तो देखिए मैं इस क्षेत्र में नया हूं तो भाई थोड़ी सी दिक्कतें तो आएंगी और उसके साथ आपके कमेंट से मैं सुधार करता हूं अपना ठीक है मुझे कैसे पता ये कमी है वीडियो में आप कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है ठीक है दोस्तों कोई बात नहीं आज मैं कुछ आपसे इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने आया हूं तो मैं आपको पहले बता दूं अपने बारे में हो सकता है मेरे बारे में बहुत सारे लोग ना जानते हो तो मैं एक चीज बता दू कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं बहुत सारे बच्चे जानते हैं तो एस एस का एक एग्जाम होता है शायद आपने सुना होगा तो 2012 से मैं उसमें पास आउट हूं सीजीएल का और उससे मैं सिलेक्टेड हूँ एक मंत्रालय में दिल्ली के में नहीं बताऊंगा नाम क्योंकि मेरी मिनिस्ट्री ने डिस्क्लोज करने से, नाम डिस्क्लोज करने करने से से नाम मना कर दिया है कि आप ये मत बताइएगा कौन से मंत्रालय में बाकी आप काम करिए यूट्यूब पे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ये वर्बल ही कहा गया है और एक कर भी सकते हैं ऐसा लेकिन बहुत सारे चैनल्स वाले शायद बता देते हो अपना डिपार्टमेंट मैं नहीं बताऊंगा थोड़ा सीक्रेट है चलिए तो अगर जिसको पता है तो मुस्कुरा लो अपने आप ही ठीक तो अब क्या है जो मैं आपको बताने वाला हूं मतलब एस एस सी सी एल ए एस की पोस्ट अभी ये रह गया ना असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर छियालीस सौ ग्रेड पे होता है और लेवल सेवन आज के हिसाब से देखो तो लेवल सेवन और जो पिछले ग्रेड पे के हिसाब से देखो तो छियालीस सौ ग्रेड पे तो अब बात समझ में आ गई होगी पूरी उसपे सेलेक्ट हूँ सुबह ऑफिस जाना पड़ता है ऑफलाइन क्लास लेने के साथ साथ ऑफलाइन क्लास के साथ साथ मैंने सोचा जब इन लोगों को फायदा हो रहा है तो क्यों ना आप लोगों से भी मैं डायरेक्टली जुड़ जाऊं और वीडियो कंटिन्यू मिलेंगी क्योंकि इन लोगों को तो मैं डेली क्लास देता ही हूं तो भाई इसलिए मैं आया ऑनलाइन लेकर के क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं सारी डिमांड्स आपकी पूरी कर सकूं मैथ्स रीजनिंग जीएस तो मैं जो करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं शाम को वो चलता रहेगा जीएस भी उसी टाइम चलेगा मतलब संविधान मूल विधि मैं शाम के टाइम जो पेन टैप से अपलोड करते हैं उसी से करूंगा यूपीएसआई के लिए बात कर रहा हूं ठीक है और जो करंट अफेयर्स है वो कंटिन्यू चलता ही रहेगा साथ में जो मैं यहां कराऊंगा आपको मैथ्स रीजनिंग डेली क्लास मिलेंगी अभी सिक्वेंस से शुरू नहीं हुआ है बिल्कुल आप सही कह रहे दोस्तों सीक्वेंस आएगी मेंसुरेशन 3D में तो मेंसुरेशन 3D में सबसे पहले कराऊंगा मेंसुरेशन 2D जितनी भी करा रहा हूं सिर्फ एक टेस्टिंग वीडियो है ठीक है इसको अन्यथा ना ले कोई कहे जी ये कहां से शुरू कर रहे हो हमें तो कुछ पता ही नहीं दरअसल मैं एसआई SI के लिए जब शुरू करूंगा ना पहले बता दूंगा कल से एसआई SI के शुरू है डंका पटवा दो हॉर्न बजवा दो पूरे गांव में अपने में मतलब यह है कि आपको जो मिलेगी जबरदस्त मिलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी कोई चार्ज नहीं रखूंगा ये मेरा वादा है आपसे यूपीएसआई दिल्ली पुलिस के लिए वीडियो का कोई चार्ज नहीं होगा फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियो मिलेंगी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं क्या क्या करवाने वाला हूँ आप लोग जानते हैं कि यूपीएसआई में यूपीएसआई में क्या क्या है मैथ्स है बिल्कुल है रीजनिंग है बिल्कुल है और जीएस है बिल्कुल है सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में शामिल करूंगा बच्चों की डिमांड आ रही है कमेंट्स में तो भाई मैं उसको पूरी करूंगा टेंशन सब मेरे दिमाग में मुझे क्या कराना है चैप्टर चैप्टर करूंगा उस से जितने भी भी आए वो करके दिखाऊंगा कि एक जाए तो बता देना ठीक है रीजनिंग में भी सेम रहेगा इनपुट आउटपुट उठा के ना फेंक दिए तो बता दियो चलो रीजनिंग हो गई अब बात करते हैं जीके की तो जीके हमारी दो पार्ट में करंट अफेयर्स और साथ में यहां मूल विधि और संविधान ठीक है मूल विधि प्लस संविधान तो इसकी तो हम तैयारी करेंगे ही करेंगे ढंग से करेंगे आप बहुत बच्चे पूछते हैं मूल विधि की कौन सी बुक ले अभी कोई सी भी जब लेनी होगी मैं बता दूंगा आपको ठीक है अभी मतलब अभी मूल विधि के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर, पढ़ बैठोगे और कोई फायदा उसका होना नहीं है बाकी चीज क्या नहीं है पढ़ने को इनमें ही थोड़ा दिमाग मान लो ना ये बहुत ज्यादा चीज नहीं है अगर है भी बहुत ज्यादा तो फिर बहुत ज्यादा आप इसको जब भी नहीं कर पाओगे अगर आज से पढ़ो और लास्ट के दो महीने में पढ़ो या महीने में पढ़ो ज़्यादा नहीं आएगा ठीक है मेरे साथ रहिएगा और करंट के साथ जीएस भी मतलब जीएस में क्या क्या हो गया संविधान छोड़ के हिस्ट्री भूगोल और जो भी अर्थशास्त्र साइंस सब मिला के ये चीजें हैं आपकी सोलह क्वेश्चंस आएंगे इससे सोलह क्वेश्चंस इससे 24 क्वेश्चंस इन दोनों से 40 40 क्वेश्चंस और ऐसा मत सोचना कि जैसे में में आए थे ना मैथ्स मैथ्स भी रीजनिंग घुसा दी थी का का ही 20 का ही आ रहा था ऐसा नहीं आएगा आप प्योर मैथ मिलेगा चालीस क्वेश्चन क्या एडवांस भी आएगा एह, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं एडवांस की कोई बात नहीं बाकी नोटिफिकेशन में आएगा तो मैं आपको पढ़ के भी दिखाऊंगा कि कोई एडवांस का चैप्टर नहीं अगर होगा तो क्या चिंता करनी है हमको है ना एडवांस भी आपका ऐसे निकलेगा जैसे कभी खूब भी करते हो मतलब चाहे आप आर्ट साइड के हैं तब भी आपको एडवांस मतलब आप आप गारंटी ले।, गारंटी ले रहा हूं आज, आपके सामने भरी, भरी तो नहीं खाली है पर यह मान लो कि भाई आपके सामने प्रॉमिस कर रहा हूं लास्ट तक जुड़ा रहूंगा बिल्कुल तन मन धन से धन दो मत दो मतलब धन नहीं ले रहा हूं कुल मिला वीडियो दे रहा हूं कुछ भी नहीं लूंगा लास्ट तक बहुत लोग पेड़ पे चले गए मुझे नहीं जाना है ना मुझे जरूरत है क्योंकि देखो अपनी तो सरकारी नौकरी है ही घरवाली घर वाली की और है तो फिर क्या जरूरत है ठीक है इतना भगवान ने भतेरा दे रखा YouTube से आ जा दस बीस हजार तो ऐसे खर्चे निकलते रहे कैमरे वैमरे के ठीक है कुछ और अच्छा सेटअप कर लेंगे जो भी YouTube से पैसा आएगा वो भी तो आप लोगों से ही आ रहा है जो व्यूज आएंगे आप लोग ही दोगे ठीक है चलिए ये तो सब बेकार की बात है आप जानो इनमें टाइम वेस्ट करना, मैं जीके और आगे क्या रहा? ये तो ऐसे तो तो हिंदी, हिंदी लिखना चाहिए वैसे तो गलत लिखा हमने हिंदी इसमें चालीस क्वेश्चन बिल्कुल आपको पता इसमें तो आप अड़तीस उनतालीस चालीस इतने ही मार्क्स लेके आओगे प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा क्या क्या आया लेकिन ऐसे नहीं कराऊंगा अंधा घुन्ध प्रीवियस ले लिया सारा नहीं क्वेश्चन चैप्टर कराया मान लीजिए यूपी पुलिस एसआई में पांच छह से भी ज्यादा उन सारे के क्वेश्चंस भाई सब में दो दो तीन तीन, तीन तो आए होंगे मैथ्स के तो आप सोच लो दस बारह चौदह जो भी क्वेश्चन होंगे प्रॉफिट लॉस से ही दो दो तीन तीन तो होंगे ना हर सेट में तो उन सब को मैं आपको करके दिखाऊंगा कि भाई देखो एक भी बचरा हो तो बताओ झूठी हो तो बताओ तो भाई ये आप भरोसा रखो जो भी मिलेगा हंड्रेड परसेंट मिलेगा एकदम सत्य मिलेगा झूठ बोलने की तो टाइम ही ना अपने दो रहे। चलो रीजनिंग चालीस क्वेश्चन तो चालीस क्वेश्चन जो भी चैप्टर आपको मुश्किल लगता हो ना बस कमेंट कर देना कमेंट कर देना कर, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा कि भाई रीजनिंग में तो मतलब ऐसा लगेगा कि कैसा भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लो होना भी ऐसा ही चाहिए रीजनिंग में कैसा कैसा भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछ ले हमें दिक्कत नहीं होगी कैसी भी ठीक है रीजनिंग कह है? अपने तर्क की शक्ति दिखा दो बस जितनी भी दिखा सको 40 क्वेश्चन 35 प्लस का टारगेट बिल्कुल होकर अचीव रहेगा अचीव होकर रहेगा मतलब और 35 प्लस यहां भी आएंगे इस बात में कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए अगर पढ़ोगे एक एक चैप्टर मेरे साथ तो घमंड में नहीं कह रहा हूं बता दिया अपनी योग्यता पहले क्या हूं ठीक चलो ये तो थोड़ी बड़ाई मारनी पड़ती है बीच में क्योंकि नए नए बालक वो भी जोड़ने पड़ते हैं ना कोई आया नया अरे कुछ है इसमें दम है तो योग्यता थोड़ी सी बता दो ज्यादा बखान करता नहीं आपको पता ही है हिंदी चालीस क्वेश्चन ठीक है

आपका टाइम क्यों वेस्ट करना मेरे बारे में मैं बहुत बड़े पद पे भी हुआ आपको पढ़ने से मतलब है मैं IAS ही क्यों ना हूं आपको पढ़ने से मतलब आपको समझ में आ रहा ठीक है क्या मैं गवार ही क्यों ना हूं आपको समझ में आ रहा तो भी ठीक है भाई आपका भला होना चाहिए चाहे कैसे भी सही मैं कुछ भी हूं और मैं मान लो आईए हूं आपको समझ में नहीं आ रहा और कोई कह कहू भैया आईए ऐसा पढ़ वही तो ये सब बेकार की बात है भाई आपको समझ आना चाहिए अब आप खूब बुद्धिमान हो

अभी संविधान के डाले हैं और हिस्ट्री के डाले हैं तो उन्हें अभी मत लिखना अभी उसमें बहुत सारे एरर हैं बस टाइपिंग हो रही है मैं बस दिखाना चाह रहा था आपको कि नोट्स हम भी तैयार करवा रहे हैं और जब जबरदस्ती करवा रहे हैं ठीक है टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे पूरी जीएस के नोट्स ठीक और हो सके तो किताब भी बांट दू आप सब पे तो नहीं पहुंचेगा अमेजॉन से खरीद लेना पचास साठ से ज्यादा कीमत नहीं रखेंगे अगर बना भी दी तो जीएस की किताब आने वाली है फैक्चुअल बस की चीज तो करते ही ना पहले ही पता मैथ जी के हिंदी हिंदी की भी किताब की लॉन्च की कोशिश चल रही है दोस्तों यहाँ ना दिख रहा हो तो यहाँ दिखेगा एक सौ साठ क्वेश्चन एक सौ साठ क्वेश्चन है और 400 मार्क्स हैं नेगेटिव मार्किंग का भी कोई अता पता नहीं है और होने के चांस भी नहीं है क्योंकि अब हर सब्जेक्ट में 35 कर दिया पहले 50 था तो 40 में से चौदह क्वेश्चन तो 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 करने करने कर लो और जी के तुमने ऐसे ही छोड़ दी तो भाई चालीस में से चालीस में से अब आपके यहां तेहरे रह गए तो आप चाहे चालीस चालीस ही कर तो, तो फेल यो कोई डाउट ही ना इस बात में कि फेल हो या पास हो ठीक है फेल यो लेकिन कुछ बच्चे मैं बता रहा हूँ इस बात को भी क्योंकि हर बात नहीं बताई जाती है इसको भी बता रहा सोलह क्वेश्चन ये सोच के भाई करंट करंट कर लेंगे इस फालतू के जीएस क्यों पढ़े जब भी तो सोलह ही आ रहे हैं भाई मैं आपको बता दू संविधान मूल विधि के चौबीस करने मुश्किल है जितनी मेहनत आपने इसमें कर दी ना दरअसल इसमें जो जीएस से क्वेश्चन आते हैं ना इससे तो रहेंगे पांच क्वेश्चन और जो बाकी के बच गए ना आठ दस दस एक क्वेश्चन वो जो जीएस के आएंगे तो, तो कोशिश करना इनको भी पढ़ने की बेसिक आपको क्लियर हो ताकि आसान क्वेश्चन ना छुटे नहीं तो सबसे पिछड़ जाओ देखो मुश्किल क्वेश्चन रह जा कोई टेंशन नहीं सभी छोड़ के आ रहे हैं और जिस क्वेश्चन है सभी छोड़ के आते हो उससे कंपटीशन में इतना सा भी असर ना पड़े देख रहे हो ना इतना सा इतना सा भी असर नहीं पड़ेगा इतना सा भी और अगर आसान क्वेश्चन है ना और उसको आप गलत करिए या छोड़िए है और वो बाकी तो सभी सही करेंगे तो आपने सबको आगे निकलने का मौका दे दिया अपने आप से ठीक है इन बातों का ध्यान रखे करो कंपटीशन में लड़ाई करो तो ढंग से करो पूरे हथियारों से करो चलो मारना हो चाहे गधाई लेके हथियार जाओ शेर के शिकार करने हाँ तो देखिए दोस्तों ये अब आपको पूरा सिलेबस पता चल गया कैसे तैयारी कराने वाला हूं इस बात का अंदाजा लग गया होगा आवाज की क्वालिटी आज देख लिए वीडियो की क्वालिटी आज देख लिए कैमरा एक लाख का कोई वैसे ही समझ रहे हो ठीक-ठाक लाया हूं मतलब ताकि क्वालिटी में कोई कमी ना रहे ठीक है पर अभी टेस्टिंग चल रही है ऑफलाइन के साथ पढ़ा रहा हूं बहुत सारे इश्यूज हैं मुझे पता है ये पर ये मत कह के दिल तोड़ो मेरा कि भाई गुरु जी वापस पेन टैप पा जाओ इस कैमरे का क्या करूंगा जो लेके आया हूं तो भाई इस बात है थोड़ा सा मतलब सीरियसली लो क्योंकि नहीं तो फिर मैथ रीजनिंग कभी नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं अगर आपने ये बोल दिया कि पेन टैप से आओ क्योंकि फिर तो मुझे पर लिमिटेड टाइम है शाम को बस संविधान ही पढ़ाऊंगा या फिर आपको करंट करा पाऊंगा तो भाई इस चीज को मत कहो हिंदी की क्लास कैसे आएगी हिंदी की बता देता हूं हर संडे क्लास मिलेगी डेढ़ से दो घंटे की डेढ़ से दो घंटे नब्बे मिनट या एक सौ बीस मिनट की उसमें दो तीन टॉपिक रोज कवर होंगे और टोटली अट्ठाइस टॉपिक से क्वेश्चन आने कौन से टॉपिक से जिनसे अट्ठाईस क्वेश्चन आएंगे वो लिख के दूंगा मैं तुम्हें चिंता मत करो बताऊंगा जब हिंदी क्लास संडे को चलेगी कल और उसे अपलोड करूंगा और देखना कौन कौन से टॉपिक आएंगे और ऐसी हिंदी ऐसी हिंदी होगी, बस कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि जिसने कहीं ना ना समझ में आई हिंदी और खूब कहीं भी समझ में आ गया ना भी जी हिंदी तो हिंदी है आपकी ठीक है कहने की जरूरत नहीं है बड़ाई बहुत मान ली अपनी अब वीडियो को विराम देता हूं भरोसा हो तो जुड़ गई ऐसा दिल्ली पुलिस वाले हाँ दिल्ली पुलिस वाले बताऊंगा दिल्ली पुलिस की वैकेंसी अक्टूबर में मोस्ट एक्सपेक्टेड है अक्टूबर में आने की पूरी पूरी संभावना है आईटीआई का भी जवाब आया नहीं है जवाब नहीं आया तो फर्स्ट अपील का जाऊंगा जवाब उन्हें देना पड़ेगा हाथ ही बता दूंगा कब आ रही है वैकेंसी, पर हो सकता है उसमें जवाब ना दे वो तो नहीं देंगे तो भी मुझे पता चल गया अक्टूबर में वेकेंसी आनी आनी है सितंबर में आ जाओ ये आपकी खुशकिस्मती है मतलब बदकिस्मती खुशकिस्मती जो कहना चाहो तो फिर दिल्ली पुलिस का प्लान तैयार होगा बाकी दिल्ली पुलिस वाले अभी मैथ रीजनिंग इनसे पढ़े जाओ न्यू कहोगे जी बिल्कुल मैथ्स रीजनिंग में तो भन्यास उड़ा देंगे पेपर के ठीक है ओके बाय बाय इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं कहना ठीक